अर्जुन रामपाल पहुंचे एनसीबी के दफ्तर, आज उनसे दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 21 दिसंबर को अर्जुन रामपाल को इससे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। 16 दिसंबर को उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अवधि मांगी, मोहलत मांगी थी 21 तारीख तक की, और आज वो अभी पहुंच चुके हैं एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए। कई एक्टर से पूछताछ हुई, अर्जुन रामपाल से जब पहली बार पूछताछ हुई थी, अर्जुन रामपाल ने बाहर आकर के बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था इंतज़ार करिए, यूं ही किसी को अक्यूज़ नहीं करना चाहिए, वो दवाइयाँ जो हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन किसी के पास भी हो सकता है, सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं और तमाम चीज़ें। मगर और उन्होंने ये भी कहा था कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनसे उनकी बात हुई है, और एनसीबी के अधिकारियों को भी लगता है कि अर्जुन रामपाली कोई गलती नहीं है। मगर अर्जुन रामपाली गर्लफ्रेंड गैब्रेला और उनके भाई को लेकर के अर्जुन रामपाल मुसीबत में फंसे हैं। गैब्रेला के भाई को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है एनसीबी ड्रग्स के साथ में। ऐसे में गैब्रेला से उनकी दोस्ती उनके लिए जी का जंजाल बन गई है, या फिर अर्जुन रामपाल का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अर्जुन रामपाल मुसीबतों में है, क्योंकि उनको लगातार एनसीबी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। लंबी पूछताछ हुई थी, 9 नवंबर को एनसीबी की टीम अर्जुन रामपाल के घर गई थी, रेड मारी थी और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में लिया था। इससे पहले गैब्रेला के भाई को, उनका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, एगिसिलियोसिस, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बाटल को भी गिरफ्तार किया था, और अब तक इस मामले में कई एक्ट्रेसेस से पूछताछ हो चुकी है, कई एक्टर से पूछताछ हो चुकी है, इसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों से पूछताछ हो चुकी है। मगर इन सबको फिलहाल क्लीन चिट मिली हुई लगती है, लेकिन अर्जुन रामपाल को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो मामला थोड़ा गंभीर लगता है। आज जब अर्जुन रामपाल वहां से निकलेंगे एनसीबी से बातचीत करके पूछताछ के बाद, तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे फीफा फूस पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।